नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश मिश्रा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एससी कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एक श्रृंखला के तहत पढ़ाई कर रहे थे, जहां पे हम IPSC के बारे में पढ़ रहे थे। वहां पे हमने लास्ट के तीन वीडियोज में डिस्कस किया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, और उसके बाद फिर हमने एल्किन समूह के बारे में बात किया था, फिर एल्किल हैलाइड के बारे में बात किया था, फिर बात किया था इसके बारे में, फिर हमने बात किया था एल्कोहल के बारे में, एल्कोहल के बाद हमने बात किया ईथर के बारे में, फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, और फिर उसके बाद कीटोन समूह के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एल्डिहाइड समूह के बारे में। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड समूह के बारे में, अब जैसे कि हम पिछले जितने भी हमने समूहों के बारे में पढ़ा उनके बारे में हम सबसे पहले क्या पता करते थे, कि इनकी हम पहचान कैसे करेंगे। कि जैसे अल्कोहल है, अब अल्कोहल हम बिना देखे तो पहचान नहीं सकते कि अल्कोहल है। अब अल्कोहल की पहचान क्या होती है, जहाँ पे OH जुड़ा होता है। ईथर है, जहाँ पे दो एल्किल समूहों के बीच में ऑक्सीजन जुड़ा होता है। वैसे कीटोन होता है, तो जहाँ पे दो एल्किल समूहों के बीच में CO ग्रुप जुड़ा होता है। वैसे ही जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड के बीच में क्या, एल्डिहाइड में आपको मिलेगा CHO, आपको मिलेगा क्या CHO। अब CHO कैसे लिखा जाता है, अब CHO आपको कैसे कैसे मिल सकता है, आपको ऐसे भी मिल सकता है। आप यहां पे क्या है, यहां पे R हो सकता है, R डैश हो सकता है, R डबल डैश हो सकता है। अब R से हमारा मतलब क्या था, CH3 था। R डबल डैश से क्या मतलब था, R डैश से मतलब क्या था हमारा, C2H5 था। R डबल डैश से क्या मतलब था, C3H7 था। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, R कि हम R से हमारा क्या लेना देना है, तो आपको हमारे पिछले वीडियो में जो हमारा पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो, उस वीडियो के थ्रू जाके आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाया हमने वहां पे, आप वहां से जाके आराम से समझ सकते हैं। अब जब हमने पहचान कर ली, और ऐसा हम अगर ऐसा हमें कहीं लिखा मिल जाता है क्या, मैथिल समूह के बाद में सी एच ओ, ये तो मैथिल की बात हुई, एथिल मतलब हम ऐसा समझे, कहीं भी कोई भी एल्किल समूह लगा है उसके बाद CHO लगा, ये अगर कहीं भी हमें मिल जा रहा है, मतलब वो बात कर रहा है किसकी, वो बात कर रहा है एल्डिहाइड। अगर ऐसा कहीं लिखा मिल जा रहा है तो आपको ये सीधा समझ रहा है कि वो एल्डिहाइड की बात कर रहा है। अब एल्डिहाइड का जब हम IPSC लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड का जब IPSC लिखते हैं तो उसका जो लास्ट में आता, जैसे कि ऑक्सीजन का क्या था, एल्कोहल में क्या जुड़ते थे, हम जुड़ते थे ऑल, याद कीजिए, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो वैसे यहां पे क्या जुड़ेगा, यहां पे जुड़ेगा अल, यहां पे जुड़ेगा अल, वहां जुड़ता था ऑल, यहां जुड़ेगा अल। एक छोटी सी बस, और ये बहुत सारे लोग गलती करके आते हैं, कहां पे अल लगाना है, कहां पे अल लगाना है। लेकिन आप लोग तो बेसिक से समझ रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप ये गलती नहीं करके आएंगे, और गलती करिएगा भी मत, क्योंकि हमने आपको सारी चीजें एकदम बेसिक से समझाई हैं, क्या डिफरेंस है अल और अल में। अल जब आपको लगाना है, जब आपको कहीं पर दिखता है ऐसा, और अल कहां लगाना है, जब आपको दिखता है कहीं पे ऐसा, समझिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, OH यहां भी है, OH यहां भी है, बट यहां सी भी लगा है, यहां केवल OH, ये होगा आपका एल्कोहल, ये हो गया आपके एल्डिहाइड। अब हमने बातें समझ ली हैं, तो चलिए हम एक दो एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हमें नामकरण करना है। अब
जब हमको पता है कि अगर आर सी एच ओ लगा है तो उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, ये हो गई उसकी पहचान। और ये हमें लगाना है जब हम आईपीएससी नाम लिखते हैं तब। अब हम एक सूत्र लिखते हैं, एग्जांपल लिखते हैं, क्या एच, उसके बाद अभी हमने आपको बताया था लिख के कि ऐसे भी कहीं भी लिखा मिल सकता है। अब एच सी एच ओ, इसे समझते हैं। हाँ, एक चीज आपको गलती नहीं करनी है कि सर यहां तो कार्बन दिया ही नहीं है, कार्बन दिया है, जो ग्रुप का कार्बन होगा वो जरूर काउंट किया जाएगा। तो अब पहले इसका हम साधारण नाम लिखते हैं, फिर इसका हम लिखेंगे आईपीएससी नेम। अब इसका साधारण नाम क्या होगा, जैसे क्या था जब एस सी डब्ल्यू एस था, याद करिए पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एस सी डब्ल्यू एच कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बारे में। तो वहां पे हमने आपको बताया था कि एस सी डब्ल्यू एच जो होता है उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है फार्मिक अम्ल। तो वैसे ही इसका जो साधारण नाम होगा, इसका जो साधारण नाम होगा वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। अगर एस सी एच ओ दिया है तो उसका साधारण नाम आपको मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड। अब आपको हम बार बार साधारण नाम की तरफ क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी अभी आपको मिल सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड, आईपीएससी पूछ सकता है। अगर आपको लिख दिया कि फॉर्मेल्डिहाइड का आईपीएससी नाम बताइए, अगर अब आप हैं तो आप तो एकदम बेसिक से पढ़ते हैं, आपको साधारण नाम भी पता है, आपको आईपीएससी भी पता है। अब अगर आपको साधारण नाम नहीं पता होता तो फॉर्मेल्डिहाइड का आप सूत्र ही नहीं निकाल पाते, अगर सूत्र नहीं निकाल पाएंगे तो जाहिर सी बात है आप आईपीएससी नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए आपको इधर भी फोकस करके चलना है, ऐसा नहीं है कि आप आईपीएससी पढ़ते हैं आईपीएससी भी फोकस करके चले, नहीं, साधारण सूत्र भी, साधारण नाम जो है वो भी हम पता करते हुए चलेंगे और उसके बाद आईपीएससी तो हम पता करते ही चलना है। अब एक कार्बन है तो इसमें क्या जुड़े, एल्केन प्लस अल, तो मिलके हो जाएगा क्या, एल्केनल। तो एक कार्बन है तो मतलब मेथेन होगा। अब मेथेन प्लस अल, मेथेन प्लस अल मिला के क्या बन गया, बन गया मेथे नल। अब ऐसे ही हम अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला एग्जांपल क्या होगा, यहां पे हमारे पास सी एच थ्री सी एच ओ होगा, सी एच थ्री सी एच ओ। अब आपको हमने कल एक एसिड बताया था, बताया था क्या, सी एच थ्री सी डब्ल्यू एच, उसका साधारण नाम क्या बताया था, याद है किसी को, उसका साधारण नाम था एसिटिक एसिड, याद आया होगा। इसका नाम क्या था, एसिटिक अम्ल, तो इसका नाम क्या होगा, ए सी टल डिहाइड। क्योंकि अगर हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो यहां पे ये प्राप्त होगा कि नहीं प्राप्त होगा, यहां पे हमने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऑक्सीकरण मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ना, यहां पे हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, मान लीजिए इसका जो हम ऑक्सीकरण करवाते हैं तो क्या बनेगा, सी एस सी सी डब्ल्यू एच बनेगा कि नहीं बनेगा, वही बात है,
अक्षिकल करेंगे तो हमें संगत उसका अम्ल प्राप्त होगा। जैसे अक्षिकल करेंगे आप एल्डिहाइड समूह का, उसके संगत अम्ल आपको प्राप्त होगा। ये हमने आपको पहचान थोड़ा बता दिया है, और एक थोड़ा सा जो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है और जो एक कोरिलेशन होता है कि जब एल्डिहाइड समूह का आप करेंगे क्या ऑक्सीकरण, तो आपको प्राप्त होगा उसका संगत अम्ल। अब यहां पे एक कार्बन था, ये हुआ मेथेनल, यहां पे दो कार्बन होंगे तो क्या होगा, ये होगा एथेन प्लस अल, तो ये मिला के हो गए एथेनल, एथेन प्लस अल मिला के हो गए एथेनल। तो ऐसा करते हैं, हमने आपको जितने भी समूह बताए वो चाहे एल्गी समूह रहा हो, चाहे वो ईथर रहा हो, चाहे अल्कोहल रहा हो, चाहे अम्ल रहा हो, या कोई भी ये एल्डिहाइड रहा हो, कीटोन रहा हो, कुछ भी रहा हो, या एल्किल हैलाइड रहा हो, या एल्केन एल्कीन एल्काइन रहा हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारी सीरीज स्टार से देखना स्टार्ट करिए, पहले वीडियो से लगा के, और ये हमारी चौथी वीडियो चल रही है, चारों वीडियो से निकलेंगे आप, होके निकलेंगे, तो मैं ये आपको पूरी गारंटी करता हूँ कि आपको आईपीएससी बेसिक का जरूर समझ में आएगा। टेंथ लेवल तक कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और कल भी हमने आपको एक चीज बताई, पिछली वीडियो में हमने आपको एक चीज बताई क्या, कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, प्रैक्टिस की। अब आप वीडियो देख के कुछ नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको बातें समझ में आएंगी, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपके डाउट नहीं क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन डाउट क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे, वो प्रैक्टिस आप कहीं से करिए, बुक से उठा के पढ़िए। मतलब जितने क्वेश्चन हैं, जैसे कोई आईपीएससी दिया है आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको जरूर उसका सोल्यूशन देंगे। या आप अंसाल के थ्रू होकर निकलिए, अंसाल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चन हमने नोटिस किए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उसमें से क्या है, CH3C111CH, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और ये पूछा कितने साल में गया है, ये पूछा गया है 2008 में, 11 में पूछा गया है, 12 में पूछा गया है, और उसके बाद आके 14 में पूछा गया। देखिए एक ही क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन चार बार पूछा गया 7 साल के भीतर। तो आइए देखते हैं। अब हमने आपको नामकरण करने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि सबसे पहले आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ कार्बन। अब जब आप नंबर ऑफ कार्बन फाइंड कर लेंगे कितना होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 1, 2, 3, और नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3 आपका। अब उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने कितना हो गया, 1, 3, 4, 4। अब हमने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर आपका नंबर ऑफ कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा है तो हम क्या जोड़ेंगे उसमें, उसमें हम जोड़ेंगे एन। अगर एग्जैक्ट दो गुना है तो क्या जोड़ेंगे, ईन। और अगर दो गुने से दो कम है तो क्या जोड़ेंगे, आइन। तो अब यहां पे क्या है, 3 का 2 गुना 6, अब 6 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8, लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, 4, तो ये भी खत्म। अगर 3 का 2 गुना ये कितना होगा, 6 होगा, वो भी नहीं है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है 4। अब 3 का 2 गुना हुआ 6, 6 में से 2 घटाएंगे आएगा 4, तो मतलब हमें यहां पे क्या जोड़ना है, आइन जोड़ना है। अब क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास कितने थे, 3, तो हम निकलते हैं उस श्रृंखला से जहां पे हमें नंबर ऑफ कार्बन पता होते थे और हमें करना होता था नामकरण, तो हम क्या करते थे, जहां पे 1 होता था वहां पे बोलते थे मेथ है, जहां पे 2 होते थे वहां पे बोलते थे एथ है, जहां पे 3 होते थे वहां पे बोलते थे
प्रोफ है जहाँ पे चार होते थे वहां पे बोलते थे ब्यूट है, जहां पे पांच होते थे वहां पे क्या बोलते थे पेंट है। ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तीन। हमने लिख लिया प्रोप प्लस आइन, संधि भी छह सबको आता है, टेंथ में पहुंच गया, नाइन्थ में पढ़ाया जाता है प्रोप आइन, खत्म हो गया आंसर। चार चार बार पूछा गया और पिछले देख लीजिए चार साल में तीन बार रिपीट हुआ, तो कुछ टफ नहीं होता है, केवल बस हम सोच के टफ सोच के बैठ जाते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन जरूर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है CH3 CO CH2 and CH3। अब कोई बताएगा इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है? एनीवन? इसमें जुड़ा है CO, मतलब अब जैसे आपको CO दिखता है मतलब आप से बात हो रही है कीटोन समूह की। अब आपको याद आना चाहिए कि कीटोन समूह जब हमें दिखता था तो हम उसके लास्ट में क्या लगाते थे? हम लगाते थे ओन। अब पहले तो हम नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, एंड ये चार हो गया। नंबर ऑफ कार्बन कितना हो गया? चार। कहां पहुंचे? ब्यूट पे। नंबर ऑफ कार्बन हुआ चार, हम पहुंचे ब्यूट पे, हमने लिखा ब्यूट। क्या लिखेंगे? पहले हमने आपको बताया था कि जहां पे हमें कोई भी समूह दिया है तो कोई भी एल्किल समूह के एल्केन का नाम लिखेंगे, एल्केन प्लस ओन, याद करिएगा एल्केन प्लस ओन। अगर कीटोन दिया है तो हम पहले क्या लिखेंगे? एल्केन लिखेंगे, मतलब चार कार्बन है तो वो हुआ ब्यूट। अब ब्यूट के एल्केन का नाम क्या हुआ? ब्यूटेन प्लस ओन। अब ये पूरा मिला के लिखेंगे तो क्या होगा? ब्यूटेनोन, खत्म हो गया। ये भी आपका आंसर आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 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 CHO। अब अभी हमने आपको बताया है, क्या बताया है? जहां पे CH2 दिखता है तो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है एल्डिहाइड। इसने हमें पहचान बता दी, जहां CHO लगा है तो पहचान जाएंगे एल्डिहाइड है। अब एल्डिहाइड है तो इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। अल कैसे लगाएंगे? एल्केन लिखते हुए। और एक गलती नहीं करनी है कि जो समूह का कार्बन है उसे भी काउंट करना है, समूह के कार्बन को भी काउंट करना है। तो मतलब हमारे पास कितने कार्बन हो गए? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, मतलब पेंटेन लिख लिया प्लस का अल लिख लिया, तो ये दोनों मिला के क्या हो गया? पेंटेनल हो गया। है कुछ टफ? कुछ टफ नहीं है, बस केवल क्या है, प्रैक्टिस करने की बात है। प्रैक्टिस करते रहिए, आपका सारा सिस्टम आराम से गुजर जाएगा। अब कुछ दो क्वेश्चन है थोड़ा अलग टाइप के। हमने प्रयास किया है कि आपके जितने भी क्वेश्चन संभावित हैं हम सारे पहलुओं को टच करते हुए निकले। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। CH3 है, CH है, उसके बाद CH3 जुड़ा है, फिर क्या है?
सी है, ट्रिपल वन है, सी है, फिर सी एस थ्री। हाँ यही है। अब पहले तो हमें क्या फाइंड करना है, हमने आपको बताया था कि सबसे लंबी कार्बन चैन, सबसे लंबी कार्बन चैन ढूंढना है, और जहां पे सबसे पहले हमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप मिलता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जहां पे सबसे पहले मिलेगा हम वो फाइंड करेंगे। अब सबसे लंबी कार्बन चैन हम पास है, अगर हमने ये उठा लिया, ध्यान दीजिएगा, एक दो तीन, एक दो तीन, बाकी के अभी तीन तो बचे हैं, मतलब ये तो छोटी हो रही है काउंट करने की जरूरत। और सबसे बड़ी चीज ये जो हमारा बॉन्ड है, ये कहां जा रहा है? अब हमने वाले इधर से उठाया, एक दो तीन चार पांच, एक ये श्रृंखला हमारी बन गई, एक श्रृंखला हमारी ये बन रही है, कौन सी? ये वाली। यहां पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, एक दो तीन चार पांच। अब दूसरी देखते हैं कौन सी बन रही है, एक हमारी ये भी बन रही है, कौन सी? यहां से स्टार्ट किया, दो तीन चार पांच। अब आप लोग बताइए कि हम यहां पे कौन सी श्रृंखला लेंगे, कौन सी श्रृंखला लेंगे? पांच कार्बन वाली हमारे पास तीन श्रृंखला बन गई, तीन नहीं, एक दो तीन, एक दो तीन चार पांच, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक दो तीन चार पांच, एक ये बन गई, और एक ये भी तो बनेगी, एक दो तीन, ये हुआ चार, ये हुआ पांच, एक दो तीन चार पांच, हमारे पास पांच कार्बन की पांच श्रृंखलाएं बन गई। लेकिन हम इसमें चूज कौन सा करेंगे, जहां पे हमारा क्रियात्मक समूह हमें सबसे पहले मिलेगा। अब क्रियात्मक समूह यहाँ पे कौन सा है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब यहाँ पे कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड मतलब हम नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करेंगे, पांच कार्बन वाली श्रृंखला पकड़ेंगे जहां पे सबसे पहले मिले। अब हमारे पास हो गए पांच कार्बन, पांच कार्बन मतलब यहां से हमने उठाया पेंट, कहां पे मिल रहा है, दो पे मिल रहा है, हमने दो लिख लिया। अब इस कार्बन श्रृंखला में जो हमने पांच वाली ली है, यहां वाली, ये वाली, ये देखिए हमने बनाया, हम ये भी ले सकते हैं, हम ऊपर वाली भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली लेने में कौन सी दिक्कत है कि ऊपर वाली लेने में आपका जो ये क्रियात्मक समूह पीछे आया, तो मतलब हम ये ले रहे हैं। अभी आप ऐसे कुछ लोग बोलेंगे, सर हम ये भी ले सकते हैं, ये पूरी यहां से यहां तक का ले लें, ये वाला मैसेज ग्रुप छोड़ दें, वो भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी है, ठीक है। अब इन पांच वाले में हम पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन फाइंडेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने में, तीन चार और तीन सात, नंबर ऑफ कार्बन है पांच, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है सात, तीन एक चार तीन सात। अब क्या करना है, अब हमें ढूंढना है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा, जहां भी हमें ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, तो वहां पे हम लास्ट में क्या जोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं हाई। हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दें, जहां भी आपको ट्रिपल बॉन्ड लगता है, अगर आपको दिक्कत हो रही है हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करने में, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने में, तो आप ध्यान दीजिएगा, जहां भी ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा वहां पे आपको आयन लगाना है। तो वही हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, मतलब हम यहाँ पे लगाएंगे आयन, पेन टू आयन। अभी हमारे पास एक पूरा मेथिल ग्रुप बच रहा है, कौन सा, ये वाला, उसकी वैल्यू क्या है, चौथे कार्बन पे लगी है, तो हमने उसको भी लिख दिया, क्या लिख दिया, चार मेथिल। अब पूरा मिला के क्या हो गया, चार मेथिल पेन टू आइन। आई बात समझ में है, आसान। ये मेथिल ग्रुप जो था वो बच रहा था काउंटिंग में, तो हमने उसका लिख दिया नाम अलग से, जिसका जो नहीं काउंट हो रहा है, जो श्रृंखला में बच रहा है, तो उसे हम अलग से काउंट करके लिख देंगे,
चाहे वो मेथिल ग्रुप जुड़ा हो, एल्किल जुड़ा हो, कुछ भी जुड़ा हो, तो अगर नहीं काउंट हो रहा है तो हम उसे काउंट करके अलग से लिख देंगे कौन सा ग्रुप जुड़ा है। अब एक ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और हमारे पास थोड़ा अलग है, जैसे ये था वैसे ही एक क्वेश्चन थोड़ा और अलग है। वो कैसा है वो भी देख लेते हैं। वो क्वेश्चन है CH3 NH2। अब जहां भी आपको जैसे एल्किल समूह मिल रहा था, क्या मिला था R, तो आप क्या जोड़ते थे एल्किल, तो ऐसे जहां पे आपको NH2 मिल जा रहा है तो वहां पे आप जुड़ेंगे एमिनो। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको NH2 कहीं मिल जा रहा है तो उसे आप क्या लिखेंगे एमिनो, एमिनो लिख के चलेंगे। अब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ जो हमारे पास श्रृंखला है वो श्रृंखला काउंट करते हैं। कहां से काउंट करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि जहां भी हमारा क्रियात्मक समूह पहले मिलेगा वहां से हम काउंट करेंगे। अगर हम यहां से काउंट करते हैं एक दो, दो ही कार्बन मिल रहे हैं, यहां से हमने काउंट किया एक दो तीन, यहां पे तीन मिल रहे हैं, हम यहां से काउंट करते हैं एक दो तीन चार, मतलब हम ये लेके चलेंगे ये 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 ये, ठीक है, क्रियात्मक समूह भी हमें पहले मिल जा रहा है। अब हमें क्रियात्मक समूह भी मिल गया, हमें श्रृंखला भी मिल गई, अब क्या करना है, क्योंकि NH2 लगा है तो हमने उसका प्लेस वैल्यू निकाला, दूसरे कार्बन पे लगा है तो हमने लिख दिया 2-amino। अभी क्या हमने आपको बताया साल्ट ट्रिक, क्या जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे आप लगाएंगे क्या एन, जहां डबल बॉन्ड है वहां इन, जहां ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, चार पे गया ब्यूट मिला, क्या हो गया 2-amino ब्यूटेन, कुछ टफ नहीं था। बस आपको ये चीज याद रखनी कि जहीं कहां भी NH2 मिल जाए जहां भी आपको एमिनो लिख देना है, क्योंकि NH2 आपका काउंट नहीं होगा, वो उसमें तो कार्बन जुड़ा नहीं है तो सब छोड़ के ही काउंट करेंगे, तो वहां पे सीधा एमिनो लिखना है आपको। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर समाप्त करते हैं आज का वीडियो, लास्ट क्वेश्चन है, और वो उस टाइप के क्वेश्चन हमने आपको बहुत सारे करवाए, 4-5 क्वेश्चन करवाए थे। क्या था क्वेश्चन, लिखते हैं C3H7Cl, कुछ याद आ रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एल्किल हैलाइड समूह की, याद करिएगा। एल्किल हैलाइड, अब ध्यान दीजिएगा एल्किल हैलाइड, कुछ याद आया क्या, जो भी हैलाइड ग्रुप लिखा होगा उसे हम कैसे लिखेंगे, जैसे कि यहां पे क्लोरीन लिखा है तो हमने आपको क्या बताया क्लोरो करके चलेगा, और जो एल्किल समूह होगा उसका पूरा एल्केन लिखेंगे, कौन सा एल्किल समूह जुड़ा है C3 वाला, मतलब प्रोप वाला, तो क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो प्रोपेन। अब एक चीज देख लेते हैं यहां पे क्या कंफ्यूजिंग रहता है, क्या कि हम कहां पे क्लोरीन लगाए। अब जैसे हम इसकी पहले संरचना बना लेते हैं, तीन सी हैं, यहां पे Cl लगा दिया, फिर क्या किया भाई सारे कार्बन की संयुक्ता 4 होगी, हमने सबको 4 संयुक्ताएं पूरी करी S देते हुए, 2 4 3 7 H बराबर कार्बन बराबर। अब Cl पहले कार्बन पे लगा तो अब इसका हम प्लेस वैल्यू दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-chloropropane मतलब क्लोरोप्रोपेन भी चल जाएगा, 1-chloropropane लिखे आएंगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो क्या बताता है कि जो आपका क्लोरीन समूह लगा है वो आपको पहले कार्बन पे लगा है।
इसी के साथ हमारा आईपीएससी आज समाप्त होता है। आशा करते हैं कि पूरे आईपीएससी में जितनी भी चीजें हमने आपको बताई हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अभी हम एक वीडियो और लेके आ रहे हैं, वहां पे हम आपको पूरा समराइज करके आईपीएससी समझाएंगे कि आईपीएससी में जैसे अभी के सब हमने आपको चार वीडियोज दिए, अब उस वीडियो में क्या होगा, हमने जितने भी समूहों की बात करी है वो चाहे एल्केन एल्कीन एल्काइन रहा हो या एल्किल हैलाइड रहा हो, एल्किल समूह रहा हो या कीटोन समूह रहा हो, एल्डिहाइड रहा हो, कार्बोक्सिलिक एसिड रहा हो, ईथर रहा हो, एल्कोहल रहा हो, जितने भी रहे होंगे सबकी हम एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे 5-10 मिनट की, उसमें सारा चीज़ आपको समराइज करके बताएंगे और वो वीडियो आप एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा। कहीं भी कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली, ना पहचान करने में कहाँ में क्या लगाना है और ना आपको आईपीएससी करने में आईपीएससी का नाम लिखने में कोई दिक्कत आने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद।